हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। बच्चों कैसे हैं आप लोग? रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, कितने बच्चे फेल होंगे, कितने बच्चे पास होंगे, ये सब पूछ पूछ के बच्चों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। यूट्यूब पे मैसेज ही मैसेज हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ही मैसेज हैं। तो बच्चों मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं, पिछले 5 साल का डाटा लेकर, कितने बच्चे पास हो सकते हैं, कितने बच्चे फेल हो सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस साल के पेपर कुछ पेपरों में इफ एंड बट हुआ है। जैसे कि हमारा 12th क्लास का मैथ्स का पेपर बड़ा अजीब सा आया था, काफ़ी बच्चों का खराब भी गया। इसकी वजह थी एमसीक्यू क्वेश्चंस या पेपर पैटर्न का चेंज होना, या सिलेबस कुछ डिलीट हुआ, कुछ चेंज हुआ, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए, कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए, तो इस वजह से लोगों का हिसाब किताब हिल गया। कुछ बच्चे कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से नहीं पढ़ रहे थे, नहीं लिख पा रहे थे, तो उनका हिसाब किताब भी थोड़ा सा हिल गया है। तो बच्चों मेरे से बच्चों के जो मैसेज आते हैं ना, वो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या लीनियंट चेकिंग होगी। अब ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो बच्चे मुझसे लगातार पूछते रहते हैं, जबकि बच्चों को इसका करेक्ट मतलब भी नहीं पता। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लीनियंट चेकिंग का मतलब क्या होता है। बच्चों लीनियंट चेकिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसमें फॉर्मूला लिखना भूल गए, या आप उसमें यूनिट लिखना भूल गए, या आप उसमें एक स्टेप लिखना भूल गए, तो ऐसे जगह पर आपके मार्क्स नहीं कटते अगर पेपर मुश्किल होता है तो। यानी कि अगर पेपर मुश्किल है तो बोर्ड कहता है कि भैया लीनियंट चेकिंग कर दो, बच्चों को पास कर दो। ऐसी जगह पे नंबर मत काटो जहाँ पर बहुत माइनर सी बच्चे से गलती हो गई है, उसको बोलते हैं लीनियंट चेकिंग। नाउ व्हाट इज ग्रेस मार्क्स? अब सबको पता है ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं। जो बच्चा कुछ नंबर से फेल हो रहा होता है और सीबीएसई बोर्ड चाहती है कि उसको पास कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 5-7 नंबर कम रह जाते हैं और आपके बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे हैं, तो आपको 5-7 नंबर एक्स्ट्रा देकर पास कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। यानी कि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को होता है जो किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, टॉपर्स को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अब बात आती है मॉडरेशन पॉलिसी। बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी वो होती है जो एक साथ सब बच्चों के रिजल्ट पे लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेपर का डिफिकल्ट आता है तो उसके लिए ना सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, एक एक्सपर्ट पैनल बैठाती है। जब पैनल ये बोल देता है कि हाँ पेपर डिफिकल्ट है, तो सब बच्चों के एक साथ 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं। जी हाँ, 10 से 12 नंबर भी बढ़ सकते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो। या कई बार ऐसा होता है कि 3 सेट बने हुए हैं, 2 सेट तो बहुत ईजी आ गए, 1 सेट आ गया बहुत डिफिकल्ट, तो बोर्ड क्या करता है उस एक सेट के बच्चों को जिनके पास भी वो सेट गया है उसके 8-10 नंबर बढ़ा के उस लेवल तक लाने की कोशिश करता है। इसको हम बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। तो मॉडरेशन पॉलिसी तभी इंट्रोड्यूस होगी जब आपका पेपर डिफिकल्ट माना जाएगा, और मुझे उम्मीद नहीं है कि इस साल के पेपर इस तरह के डिफिकल्ट हैं कि शायद मॉडरेशन पॉलिसी लगे। लेकिन हाँ, इस साल लीनियंट चेकिंग जरूर हुई होगी, ग्रेस मार्क्स भी आपको मिलेंगे जरूर। चलिए अब मैं आपको शो करने जा रहा हूँ लास्ट 5 साल का डाटा फेल और पास का, कितने बच्चे इस साल फेल हो सकते हैं, कितने बच्चे इस साल पास हो सकते हैं। आइए बोर्ड पर चलते हैं। टोटल हमारे पास 38,83,710 स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया है 2023 में, क्लास 10th और क्लास 12th के मिलाकर। 21,86,940 स्टूडेंट क्लास 10th में बैठे थे, 16,96,770 स्टूडेंट ने दिया है क्लास 12th का एग्जाम। ठीक है, ये तो हमारा डाटा है इस साल का। अब मैं आप सामने शो करने जा रहा हूँ लास्ट 5 ईयर का डाटा। क्लास 10th में जो बच्चे पास हुए थे, जो पास परसेंटेज थी 2022 की वो थी 94.4%, 2021 की 99.4%। बच्चों ये जो हमारा डाटा है ना 99.04, ये हमारा 2021 का है। उस टाइम पे हमारे पास एक बीमारी थी बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों को पता है कोविड, कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे, तो सीबीएसई बोर्ड ने लगभग सब बच्चों को पास कर दिया था। ये 12th क्लास का डाटा है, 99.37 बच्चे 2021 में पास हुए थे। और 2020 की बात करूँ तो 91.46 क्लास 10, 2019 की बात करूँ 91.1, 2018 86.7%। तो बच्चों मैंने ये 5 साल का ना एवरेज निकाल लिया, द एवरेज इज 92.54% बच्चा पास हो सकता है इस एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस एवरेज को मैंने अप्लाई करा जो हमारे पास इस साल क्लास 10th में बच्चे बैठे हैं, यानी कि 92.54% अगर मैं निकालूंगा इसका तो आएगा इतने स्टूडेंट, कितने, 20,23,794, यानी कि इतने बच्चे इस साल पास हो सकते हैं इस एवरेज के अकॉर्डिंग। ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, एक डाटा है। ठीक है, तो फेल कितने होंगे, फेल हो सकते हैं 1,63,149 स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परसेंटेज हो सकता है, लेकिन कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आया पिछले कई सालों में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 12th क्लास की बच्चों, तो 2020 में इतने परसेंटेज बच्चा पास हुआ था, 2019 में 83.4% बच्चा पास हुआ था, यानी कि 17% के आसपास बच्चा फेल हो गया था।
2018 देखिए आप, 83.01% बच्चा पास हुआ था, यानी कि 17% बच्चा फेल हुआ था। तो अगर मैंने इसका एवरेज निकाला ना, तो एवरेज बच्चों 90 से भी कम बैठ रहा है। तो यानी कि अगर मैं 89.45 इसकी परसेंटेज निकालता हूँ, जितने बच्चे इस साल क्लास 12th में बैठे हैं, तो बच्चों अप्रॉक्सीमेट इतने बच्चे हमारे पास होंगे 15,17,760। तो फेल कितने होंगे, इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए, यानी कि 1,79,010 स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा होंगे, ऑल दीज आर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का बच्चों टोटल करूं, तो बैठते हैं 3,42,156। यानी कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लास्ट 5 ईयर का जो डाटा मैंने निकाला, कितने पास परसेंटेज थी और कितनी फेल परसेंटेज थी, उसको देखते हुए उसका मैंने एवरेज लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया। तो बच्चों 3,40,000 के आसपास बच्चे इस साल फेल हो सकते हैं, और पास कितने हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों का लिख ही दिया है, यानी कि 38,83,710 अगर बैठे हैं, इसमें आप इसे माइनस कर लीजिएगा, उतने बच्चे आपके पास हो सकते हैं। पर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये जो वो बच्चे होते हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल खाली कॉपी छोड़कर आते हैं, या कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने जा भी नहीं पाते, कई बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, तो बच्चों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, CBSE बोर्ड ने बहुत लीनियंट चेकिंग करवाई है और बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। रिजल्ट आपको जो आएगा बच्चों 15 मई से पहले पहले आ जाएगा, पूरी उम्मीद है 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय एवरीबॉडी।